हेलो बोलो, आप निकले कि नहीं? हाँ, एक घंटे में गरीब रथ से निकल रहे हैं। गुड, पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे ही रहती है। बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। बाबा कब तक कंगालों की तरह जीते रहेंगे, टैक्सी लीजिए। तुमने टिकट रख लिया? रख लिया। अगर बिट्टू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुँचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देखेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे। मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक कर देखूं। पैसों से या बंदूक से, उनसे सच उगलवा लेंगे। वो गरीब रथ से जाने वाले हैं, एक बैग, दो सूटकेस और तीन आदमी टैक्सी से स्टेशन गए हैं। गन हटाओगे तो घर पे कॉफी पिलाऊंगी। बाबा कहाँ पहुँचे आप? बस यू टर्न लेते रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राइट लेकर फौरन अहमदाबाद आ जाइए। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा के तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकाल कर उस पर ही बैठ गए हैं। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई, अब अगली बार 21 की है बिट्टू की। अरे क्या सर, आप तो नशे में टारगेट का नंबर भूल गए। टारगेट नंबर 2, मेरी प्यारी मधु। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। ए, वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर जरा ये देखो, इस बहनजी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। दो शरारती लड़के तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेस पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक चेक। ओके। खाते वक्त मैं से कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या, आपको बुरा ना लगे तो? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु मधु सुनो तो। मधु देखो कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बात करनी, बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु 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 मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज, अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो, बारिश भी तुमने ही करवाई थी। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ, किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हा? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना। जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना। और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना। हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा।
इनसे बात क्यों करें? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माय वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है, तुमसे डर गया है। खिलौना है ये? चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी, गेट पर चढ़कर बैठेगी इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम। अब क्यों नहीं कहता आई लव माय वाइफ? आई लव माय वाइफ कहना। आई लव माय वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू, मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। बिट्टू तो फिर से बच निकला रहा। बिट्टू को पकड़ने के लिए ट्रैवल मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें चोर अंकल को अंदर भेजना होगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। अगर उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखते ही मैंने बच्चे को उठा लिया, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया, कहने लगी बच्चे को किडनैप किया है। अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा, कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, अब क्या है? मुझे प्लेन पेपर और एक दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ, हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है, मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ, ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर 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 सर, आप क्या है रे? एक कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर, जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा, चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। हाँ? ये क्या है? फोन है। वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इसे मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर क्या सर, वो उसी फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रवि जिंदा बच गया, उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रवि तक तू नहीं पहुंच पाएगा, वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही, तू उसे छू नहीं सकता। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी और लाख लाख रुपए दो बार दिए, तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी,
और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हरजाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी और तुझसे एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। लो। हाँ, ये सिर्फ पेपे बेबे मेमे कर सकती है और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। एक 25 साल के छोकरे ने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। साले, तू तो जाके उसके तलवे चाट, बेशर्मों की तरह बैठा है। जब किसी पत्नी के सामने पराए मर्द की तारीफ करो, तब उसके पति को कैसा लगता होगा? इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। पेपे बे मे मे मे, हाँ? जानते हो मैंने क्या कहा? कि तुझे मार दूंगा। हैंडी कैप है, वो सुन नहीं सकती। सॉरी बोल, माफी मांग। अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा, तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा। हाँ? हाँ, पूरे 1500 करोड़। वो मैं तुझे दे दूंगा, मुझे बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ। वो पैसा तो चल गया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला, पैसा पहले ही हटा दिया गया था। पैसा कहाँ छुपा है? कहाँ है बता, वरना। ये मर चुका है बिट्टू, फोन करना। कर लो। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सर, मैं ट्रैवल मूर्ति, बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू? पर वरदराज जी, वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे, कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? बेस्ट मैन। तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया, भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं रोया, पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहां तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था। लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो। चलो चाय पी कर आते हैं। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा, मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूं।